प्रेम कुमार साहू जी का, कि एड के बारे में तो कंपनी ने सर बताया था, हमें पता था, बट बाद में क्रिप्टो और शेयर को ऐड किया गया, एक चीज। और दूसरा पूछा उन्होंने कि सर नवंबर को 5 से 10 एड्स के बारे में बताया गया था जो अभी तक नहीं दिखाया गया, अब बताया जा रहा है कि 5 एड दिखाए जाएंगे जनवरी 2022 तक। क्या ये दिखाए जाएंगे और कब? दोस्त आपको बता दें कि कंपनी जो कुछ कहती है, जैसे हमारे लिए ये नया कंसेप्ट है तो उसी हिसाब से कंपनी के लिए भी ये नया कंसेप्ट है। कंपनी ने जो हमारे पास यह एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लेकर आई थी, तो सबसे पहले कंपनी ने अपने ही न्यूज लेटर में, अपनी ही वेबसाइट में कंपनी ने डाला हुआ था कि आपको जाकॉइन के साथ, शेयर के साथ और कार क्लब के साथ और क्लब कल्चर के साथ, वीआईपी सिस्टम के साथ आपको नवाजा जाएगा। तो शायद सरकार यह स्टडी लेवल ही बाद में स्टडी किया होगा। कंपनी ने पहले ही दिन से अपने काफी अपना इसमें क्लियर किए हैं कि हम काफी रूप में आप लोगों को यहाँ से पैसा देंगे, हमारे काफी सेक्टर होंगे जहां से आप पैसा कमा पाओगे। और रही बात नवंबर की, तो एपीआई जब हमारे पास आई है तो हमारा जो ईहा का ये जगह थी, वैसे चलो बता ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमारा ईहा का जो सिस्टम है, जैसे हमारे पास ईहा की पहले ऐड आया करती थी, एक बार स्टार्ट होने से रेगुलर चलती थी, तो वो हमारी एपीआई ने एक बार रिजेक्ट की हुई है। और उसके बाद में वन बाय वन, जैसे अब नेक्स्ट का ऑप्शन आया है, और भी जो हमारी एपीआई जो इंटरनेशनल कंपनी हमें ऐड प्रोवाइड कर रही है, करोड़ों ऐड जो हमें मिल पा रही है इसमें आने वाले दिनों में, तो उसके जो उनके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ हमारी भी है, तो नवंबर में सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक जेन्युइन पार्ट है, जेन्युइन पार्ट के ऊपर टाइम लगता है। कंपनी को ऐसे था कि हमें एपीआई बहुत जल्दी ऐड दे देगा, नवंबर में ऐड दे देगा, बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी आपको जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मैंने इसीलिए अटैच किए हैं क्योंकि थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हमारे साथ आएंगी वो कोई एक हफ्ते के लिए या एक दिन के लिए नहीं आ रही, उनके साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एक साल के लिए होगा। और एजेंसियां हमारे पास बड़े लेवल तक आ भी रही हैं, और दिसंबर की बात इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना दिसंबर में भी बताया हो कि थोड़ा बहुत आपको अर्लिफ्ट मिल सकता है। दिसंबर में छुट्टियां आने वाली हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री में आप लोगों को पता है कि 25 तारीख को जो हमारा एक बहुत बड़े लेवल पे यूरोप में ये छुट्टियां चलती हैं, तो ये 15 जनवरी तक, मेरे हिसाब से 10 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेंगी, 20-22 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो हमारा 60% से स्टाफ है वो छुट्टी पे होता है। तो ये जनवरी तक हम अनुमान लगा रहे हैं, ये मेरा अनुमान है कि आपको जनवरी तक हमें कंपनी ऐड दे सकती है थोड़ा कम लेवल पे, उसके आगे फरवरी और मार्च तक कंपनी ईहा जो हमारा जो कुछ कार्य कंपनी का बचा है ईहा का वो भी पूरा करेगी, और जो हमें फर्स्ट लेवल से इनकम आती है उसको बोलते हैं हमारा ये क्या नाम लेते हैं इसका यार, पैनल लेवल इसमें ऐड होगा। और जो हमें आज सपोज करो आपको 5 ऐड मिली और 5 आपकी अपलाइन के पास भी आपकी अर्निंग जाएगी, उसको पैनल बोलते हैं, वो पैनल हमारा दिसंबर तक कंपनी कंप्लीट कर लेगा। कंपनी ने न्यूज लेटर में पहले आपको नवंबर में बता दिया कि नवंबर तक हम अपना पूरे का पूरा कार्य पूरा करने के बाद दिसंबर में आपको ऐड दिखाने के लिए तैयार है, पर मैं फिर भी बोलूंगा कि यह जनवरी ही समझिए आप, जनवरी में आपकी स्टार्टिंग हो सकती है और फरवरी में आपको बहुत अच्छी अर्निंग मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी 3 है हमारे पास, भावी मैम, प्रीति गोयल मैम एंड नंद कुमार शर्मा सर, उनका सबका ये कहना कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है सर, और थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट होता है एंड थैंक्स कहा है सर आपको, बट उनको एक चीज है कि सर हमारे टीम को हम पॉजिटिव कैसे करें क्योंकि वो नेगेटिव होते जा रहे हैं और वो लेफ्ट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, हमें विश्वास है कंपनी के ऊपर, तो उनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए सर, ये सलाह मांगा सर आपसे, ओवर टू यू सर। देखो एक चीज है कि जब हम किसी को नए पर्सन को प्लान देते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं वहां पे ये सारी बातें क्लियर नहीं करते, कंपनी के बारे में पूरा बताते नहीं, जल्दबाजी में प्लान देते हैं और उनको अपना 10 यूरो लेने के उपरांत हम बोल देते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा सा हो सकता है। सबसे पहले कंपनी के बारे में बताना चाहिए, कंपनी है क्या चीज, जा लाइफ है क्या चीज,
एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है क्या चीज, कैसे हमें पैसा दे सकती है, कितना टाइम लग सकता है, ये सारी चीजें हम एडवांस में तय करके और एक डेट को ना बताते हुए कंपनी के ऊपर छोड़ देती है। कंपनी पहले क्या थी, कब से हमारे मेंटोर लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ हमारी मीटिंगें चल रही हैं, कैसे आज हमारा कहाँ पर हमारा काम रुका हुआ है, कितना टाइम हमें लग सकता है, ये सारी पॉजिटिविटी आपको उनके सामने रखोगे और पूरी की पूरी टीम को यहाँ इस मंच के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे इसमें, किसी भी मंच के साथ जोड़ोगे जहां पर आपको ठीक लग रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी यहाँ से पीछा छोड़ के जाएगा। और बाकी कंपनी ने भी ये कहा हुआ है कि अपनी एक बार केवाईसी करके अपनी टीम बढ़ाते जाओ, कछुए की चाल चलते जाओ, थोड़ा समय लगेगा। और ये हमारे तो एजुकेशन सेंटर बहुत खुल चुके हैं, बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में, यूट्यूब के माध्यम से भी और मीटिंग के माध्यम से भी, तो आप लोग यहाँ पर लाकर बैठाओगे और समझाओगे तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि स्टडी जरूरी है, तो आपकी खुद की होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी बड़ा होना चाहिए और आपकी टीम फिर ही कामयाब हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। मैम मेरे क्वेश्चंस हो गए हैं सभी, मेरे पास जो काउंट थे, तो ओवर टू यू मैम, ममता मैम। थैंक यू सर। अभी मेरे पास विवेक जी का एक क्वेश्चन आया है, जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, लोग डिजिटल हो चुके हैं, तो क्या हमारी जा लाइफ और यह अपने आपको सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर अपने क्यों प्रमोट नहीं कर रही है, चुप कर क्यों बैठी है? मैं पहले भी बता चुका हूँ ममता जी कि ये जितने भी सोर्सेस हैं कौन करेगा इनको, जिसमें 30 लाख मालिक है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, मेरा फर्ज बना, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, जैसे बोले एफएम पे मैंने प्लान करवाए, कंपनी ने नहीं बताया था, हम न्यूज लेटर के माध्यम से सुनते हैं समझते हैं, कंपनी एक न्यूज लेटर के माध्यम से आप लोगों को बताती है, उसके बाद में आप लोगों को मालिकाना हक दिया है, एक आप इसमें प्रॉपर एक मालिक के रूप में अपनी टीम बढ़ाओगे, अपना मेहनत करोगे, कंपनी ने लिया क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, कौन करेगा इसको? आप लोगों को कंपनी ने शेयर होल्डर दिए, क्वाइन दे रही है, सब कुछ दे रही है, पैसा ले नहीं रही, 10 रुपए आप लगा रहे हो, 8 यूरो कंपनी दे रही है, बराबर की हिस्सेदारी है, कोई भी काम करोगे बराबर की हिस्सेदारी है, प्लेटफॉर्म कंपनी संभाले बैठी है, अर्निंग आप लोगों ने भी कमानी है, कंपनी ने भी कमानी है, कंपनी में दुकानदारी करनी है, ये आप लोग भी करनी है, ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप लोगों ने कैसे इसमें काम करना है, 30 लाख लोग जो वैलिड पर्सन इसमें है, जो मालिकाना हक लिए बैठे, तो ये ड्यूटी उनकी भी बनती है, वो अपनी तरफ से क्यों ये ड्यूटी निभा पा रहे हैं, क्यों किसी के ऊपर हम ब्लेम देंगे कि वो करेगा और अर्निंग आएगी, कोई नहीं देगा इसमें से, ये 30 लाख लोग ही समझ लें कि हम लोगों ने काम करना है, हम अपनी दुकानदारी करेंगे, हम अपनी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तो ये मुकाम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, तो कंपनी अपनी तरफ से टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी कर पा रही है कंपनी, न्यू अपना ये न्यूज लेटर के माध्यम से आप लोगों की सहयोगी कंपनियां जो हमें सर्विस प्रोवाइड कंपनियां आ चुकी हैं, कंपनी ने जो कुछ देना है वो अपनी ड्यूटी निभा पा रही है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, कंपनी कहाँ कहाँ तक कंपनी को ब्लेम देंगे, बराबर के हिस्सेदार हो, 10 यूरो आप लगाओ, 8 यूरो कंपनी ने लगाया है, कंपनी लाखों यूरो इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है, कर भी रही है, अपने हर तरह से हर कंट्री में लीगल लेकर आ रही है, दुबई से हमारा सिस्टम और भी बड़ा से बड़ा करके ला रही है, डेबिट कार्ड इश्यू कर रही है, 98% कंपनी ने काम बढ़ा रखा है, ये आप लोगों की ड्यूटी दी हुई है, ये काम कंपनी ने खुद करना होता तो 100% आप लोगों को पहले लेवल में क्यों देती, बताइए जरा, ये भी फेसबुक की तरह, ये भी यूट्यूब की तरह अपना इसी हिसाब से बनवा लेती, क्यों आप लोगों को मालिकाना हक दिया, हमारी भी ड्यूटी बनती है कहीं ना कहीं, हम अपना इसमें अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने स्टेट लेवल को, अपने सिटी लेवल को, अपने तालुका को, अपने हिसाब से अपने लेवल पे खुद लाइव होकर खुद मीटिंगें करें, खुद वहां पर बात करें, अपने भी यहाँ पर कंपनी का जो हमारा ड्यूटी बनती है उसको भी हम पूरा करें, और कंपनी ने जो अपना 40 यूरो आप लोगों से हिस्सा लेता है वो अपना कंपनी लेती रहेगी, और आप लोग अपनी अर्निंग बढ़ाइए, और ये आप लोगों की खुद की ड्यूटी बनती है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके थैंक यू सर। सही है सर, हमारे टीम ईगल के जितने